नीमच की चंगेरा स्थित नए कृषि मंडी में आज एक व्यापारी की एक्टिवा गाड़ी से अज्ञात बदमाश डिक्की तोड़कर 1,26,000 रुपए नगद ले उड़े। नमित अग्रवाल उर्फ निक्कू के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नीमच की सुरेखा ट्रेडर्स के हितेंद्र अग्रवाल उर्फ मुक्कू नई कृषि मंडी में नीलामी के लिए आए थे। वो करीब 11 बजे शेड के बाहर गाड़ी खड़ी करके नीलामी में शामिल हो गए। इसी दौरान उनकी एक्टिवा गाड़ी का हैंडल लॉक तोड़कर अज्ञात बदमाश गाड़ी को बिना स्टार्ट किए उल्टा घसीटते हुए करीब 300 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में ले गए और पत्थर से डिक्की तोड़कर उसमें रखे 1,26,000 लेकर भाग गए। चेहरा ना दिखे इसलिए चालाकी करते हुए वह गाड़ी को उल्टा घसीट कर ले गए। अज्ञात बदमाशों ने मुंह को कपड़े से ढक रखा है। घटना की सूचना के बाद मंडी इंस्पेक्टर समीर दास द्वारा मंडी की कैमरे खंगालने पर ज्ञात हो रहा है कि 3 अज्ञात व्यक्ति पैशन प्रो और टीवीएस एक्सेल गाड़ी से आए थे। एक्सेल गाड़ी का नंबर कैमरे में स्पष्ट नजर आ रहा है। पुलिस ने घटना की सूचना के तुरंत बाद आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। इस वारदात से व्यापारियों में हड़कंप है और असुरक्षा की भावना दर कर रही है। सर, पापा यहाँ पर बीच वाले शेड में गाड़ी सुबह घर से निकले 10:30 बजे के आसपास, जो कि 11 बजे यहाँ पर पहुँचे थे। उन लोगों ने गाड़ी यहाँ पर हैंडल लॉक करके खड़ी की। उसमें लगभग 1,26,000 रुपये डिक्की के अंदर थे, जो कि हम किसानों को पेमेंट जल्दी वितरित करने के हिसाब से लाते थे। उसमें कई बार 2 बिल बुक और एक हमारा लाल खाता वगैरह भी था। तो पापा यहाँ से उतर कर नीलाम में शामिल रोज ही होते थे। रोज जैसे ही वो नीलाम में शामिल होने गए और किसी ने या देख रेख करी या कैमरे में जो भी करा रेकी करी, उस रेकी के दौरान उस आदमी ने गाड़ी को हैंडल लॉक तोड़ के और वो गाड़ी पीछे ला कर के उसने इस खेत के गड्ढे के अंदर गाड़ी को ला के फेंक दिया और उस डिक्की को तोड़ के और वो लोग बैग लेके चले गए। गाड़ी भी हम लोगों को 2 घंटे बाद मिली। जब कोई आदि व्यक्ति यहाँ पर टॉयलेट करने आया तो उसने बताया कोई एक्टिवा यहाँ पर खड़ी है अज्ञात, तो हमने वो एक्टिवा देख के और एक्टिवा देखी तो एक्टिवा गड्ढे के अंदर डिक्की टूटी हुई पड़ी थी। कितने रुपए चोरी हुए? लगभग रुपए 1,26,000 रुपए। यहाँ की सुरक्षा को लेकर तो सवाल खड़े हो गए। सुरक्षा? सर, अब सुरक्षा का तो हम भी क्या बोल सकते हैं। हमको बोला गया था मंडी चलाओ, हमने मंडी चलाई। अब नीमच से बार बार आना जाना हम लोगों को पार पड़ता नहीं है। नीमच लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है, बार बार हम बैंक जाएं। ये तो अच्छा रहा कि 1,26,000 ही थे। ऐसे में रोज कम से कम प्याज, टोटल प्याज मंडी कम से कम 30-40 लाख रुपए की तुलती है। तो ये इसके बाद कैमरे वगैरह खंगालने से कुछ पता चला है? कैमरे में सर 3 व्यक्ति आए हैं। हाँ। एक व्यक्ति जो कि गाड़ी जो घसीट करके रिवर्स में लेकर गया था, उसने तो पूरा उसका चेहरा तो नहीं आया है। बाकी जब मंडी निरीक्षक समीर दास जी ने जब 5-6 कैमरे खंगाले, तब खंगालने के बाद में ये चीज सामने आई है कि 3 व्यक्ति गेट से निकलते हुए अपने को मिल गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति एक्सल पर है और 2 व्यक्ति पैशन प्रो पर है, पुरानी पैशन प्रो है, और उनके फोटोज आ गए हैं। और बाकी महोदय टीआई साहब कार्रवाई कर रहे हैं और समीर दास जी भी कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस आ गई थी? हाँ, यहाँ पर 100 डायल आई थी। हाँ। वो उन्होंने बोला आप चल के आवेदन दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। आपने आवेदन वगैरह दे दिया? हाँ, आवेदन वगैरह दे दिया। तो गाड़ी यहाँ पापा लेकर आए थे? गाड़ी पापा लेकर आए थे सुबह। आप भी मौजूद थे? मैं घर से आ रहा था, रस्ते में मुझे फोन आ गया था कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, अपने को गाड़ी नहीं मिल रही है। तो भाई गाड़ी कहाँ गई? तो गाड़ी फिर एक हमारे हम्माल बंधु है, उस हम्माल बंधु ने बताया कि भैया मेरा मित्र यहाँ पर एक टॉयलेट करने आया था तो उसको कोई एक्टिवा गड्ढे के अंदर दिखी है। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।